इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरी एक आपसे अपील है. व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज थिंक करेंसी एज अ कमोडिटी. सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स ये बोलूं कि स्टूडेंट्स रेट का मतलब क्या है, तो आपको सर रेट, सिर्फ मैं रेट को मार्क कर रहा हूं, मैं कहूंगा सर रेट का मतलब क्या है, तो आपको सर रेट का मतलब होता है प्राइस. ठीक है, मैंने आपसे पूछा रेट का मतलब क्या, तो आपने कहा सर रेट का मतलब क्या है प्राइस. किस चीज का प्राइस है, प्राइस टू एक्वायर अ गुड और सर्विस, यही आप कहोगे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये कहूं डोंट कंसिडर डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन, राइट, डोंट कंसिडर ऑल दीज करेंसी एज करेंसी, जस्ट कंसिडर देम एज अ कमोडिटी. अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये कमोडिटी है, तो कोई फर्क पड़ गया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा. मार्केट में आप जाते हो जैकेट लेने, आप पूछते हो शॉपकीपर से भैया इसका क्या रेट है, ठीक है, तो वो बोलेगा सर 1000 रुपीज, सर 1500 रुपीज. सो दिस जैकेट कॉस्ट यू अराउंड, दिस जैकेट कॉस्ट यू अराउंड 1500, लेट्स से 1500. तो आपके लिए जैकेट का रेट क्या हो गया 1500. सिमिलरली स्टूडेंट, जब आप मार्केट में जाओगे, अब समझ ना अभी कौन सी मार्केट, कैसी मार्केट, अभी इतना टेक्निकल डिटेल में नहीं आते, पहले पेरिफेरल आइडिया जैसा हमेशा बिल्ड करते हैं, वो पेरिफेरल आइडिया बिल्ड करते हैं, तो टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए अगर मैं आपसे बोलू कि भाई डॉलर खरीद रहा है, डोंट थिंक डॉलर एज अ कमोडिटी. ठीक है, डोंट थिंक डॉलर एज अ करेंसी, जस्ट कंसिडर यूएस डॉलर एज अ यूएसए कमोडिटी, कि भाई ये यूएस का एक गुड है. अब यूएस का एक गुड है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, उसका प्राइस देना पड़ेगा ना, तो वही आपके लिए क्या है, रेट है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, वो करेंसीज जो क्या है, वो करेंसीज जो दूसरे देशों की है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इंडियन, हम इंडियन है, तो हमारे लिए दूसरे देशों की करेंसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे लिए दूसरे देशों की करेंसी फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा. तो अगर मार्केट में जा रहे हो और कमोडिटी का एक रेट है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर करेंसी खरीदने जाओगे तो उसका भी एक रेट हो सकता है. अब देखो कुछ गुड ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो आपको एक रुपए स्पेंड करके बहुत सारे मिल जाते हैं, नहीं, कुछ गुड ऐसे होते हैं जो एक रुपए स्पेंड करके बहुत सारे मिल जाते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सो फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स, अगर मैं मैच स्टिक्स की बात करूं, सो बाय स्पेंडिंग योर 1 रुपी आपको कितनी मैच स्टिक मिलती है, अराउंड 100 और 550, कुछ ऐसे मैच स्टिक मिल जाती है, सस्ती है. ठीक है, सो कमोडिटी कुछ ऐसी होती है, बाय स्पेंडिंग योर रुपी 1, ठीक है, आपको कई बार कुछ ज्यादा मिल जाता है. समटाइम ऐसा होता है कि आप 100-100 रुपए भी खर्चते हो तो वो एक ही उनको मिल रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बॉनविल. अगर मैं आपसे बोलूं बॉनविल, होपफुली आप खाते ही होंगे, तो आप बॉनविल है, तो बॉनविल में क्या है, आप 80 रुपए स्पेंड करते हो तो जाके एक मिलती है. ठीक है, वही अगर डेयरी मिल्क की थोड़ी और हाई फाई चॉकलेट हुई तो, ठीक है, सिल्क हो गई, बबली हो गई, तो उस केस में क्या होगा, मे बी यू विल स्पेंड, मेरे को एक्चुअल रेट नहीं पता, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ठीक है, 160 रुपए, 180 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए उसकी एक यूनिट. आप मेरी बात समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो जैसे कोई कमोडिटी महंगी और सस्ती हो सकती है, कभी कभार एक रुपए खर्च के बहुत सारी मिल जाती है, कभी हमें बहुत सारे रुपए खर्चने पड़ते हैं उसकी एक यूनिट लेने के लिए. तो सेम वही फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है स्टूडेंट, वही क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि भाई समटाइम क्या होता है, समटाइम बाय स्पेंडिंग योर रुपी 1 आप कुछ करेंसीज को ज्यादा खरीद सकते हो. ठीक है, जैसे कि वियतनाम की करेंसी, ठीक है, जैसे कि इंडोनेशिया की करेंसी, जैसे कि हंगरी की करेंसी. अब ये देश की जो करेंसी है, इन देशों की जो करेंसी है, इनको मानो एक ऐसे गुड जो कि क्या मिल रहे हैं, मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि आप जब 1 रुपए स्पेंड करोगे तो इनकी काफी सारी करेंसी आप अपने घर पॉकेट से लेके आ सकते हो. ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अब यहां क्या है, इनको मानो महंगे वाले डेयरी मिल्क के गुड या बॉनविल. ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें आपको अपना ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, जबकि इनका यूनिट मिलेगी सिर्फ 1. ठीक है, सो दिस इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इट इज बेसिकली it refers
द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर. ओके स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द अदर. वो रेट, देखो यहां पे जो मेन मेन चीजें हमें समझनी है वो मैं हाईलाइट करता हूं. हमें समझना है ये क्या है, ये सर एक रेट है, ठीक है. कौन सा रेट? एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्रीज एक्सचेंज फॉर द अदर. भैया आप अपना रुपी अपने किसी गुड या सर्विस के बदले एक्सचेंज करते हो, राइट. रुपी दी एक्सचेंज में गुड लेके आ गए, रुपी दी एक्सचेंज में सर्व कर लिया, मतलब सर्विस ले ली, तो यही आप करते हो. तो भाई किसी सर्विसेज के ज्यादा पे करना पड़ रहा है, किसी के लिए कम पे करना है, तो सेम विद द करेंसीज. कुछ करेंसीज के लिए हो सकता है आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ के लिए आपको कम करना पड़ेगा पे, राइट. होपफुली सुनें ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. चलो आगे बात कर लेते हैं फिर, जब यहां तक हमें समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं. सर ऐसा कैसे है फिर, अब आगे तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि वो रेट जिसपे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से बदल दी जाएगी उस रेट को हम क्या बोल देंगे, उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल देंगे. चलो आगे स्टूडेंट्स जो आपको समझना है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो वन US डॉलर जो है, वन US डॉलर इज अप्रोक्सीमेटली रुपी 70. तो इसको ऐसे मत देखो, इसको आप थिंक अदर वे कि मैं जब अपने 70 रुपीज स्पेंड करूंगा तो मुझे एक बॉन्डविल मिलेगी. फॉर द टाइम बीइंग मान लो US डॉलर क्या आपके लिए एक बॉन्डविल है. सो बॉन्डविल आपको कितने की मिलती है स्टूडेंट, 80 रुपीज की. अगेन मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे इतना पता है, मुझे पसंद बहुत है, खाता बहुत हूं मैं बॉन्डविल, लेकिन एग्जैक्टली रेट मुझे नहीं पता, ठीक है. तो ऐसा नहीं है मांग मांग के खाता हूं, वो तो जब जाता हूं तो बल्क में लेके आता हूं, इसलिए रेट नहीं पता चलता, काफी सारी चीजें लेके आता हूं तो इंडिविजुअल रेट नहीं पता, ठीक है. तो रुपीज 70 स्पेंड करके आपको एक बॉन्डविल मिलती है, ठीक है. तो वन यूएस डॉलर इक्वल टू क्या होगा, रुपीज 70. स्टूडेंट्स आपको इस पूरे चैप्टर में किसको इंपॉर्टेंस देनी, जब मार्केट में जाते हो तो किसको इंपॉर्टेंस देते हो, अपनी जेब को ना, कि तुम्हारे पास खर्चने के लिए कितना है. पूरे चैप्टर में आपको INR इंडियन रुपी को ध्यान देना है. ये जो रुपी का साइन मैंने यूज किया, हम वैसे क्या यूज करते हैं, INR विच इज इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है. INR का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है. तो वन यूएस डॉलर इक्वल टू रुपी 70. सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सचेंज रेट. ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सचेंज रेट. तो सिमिलरली अदर वे क्या हो जाएगा, अदर वे ये हो जाएगा कि सर वन INR जो है हमारे पास, वन INR कितना हो जाएगा सर, वन INR विल बी 1/70 US डॉलर. कितना हो जाएगा, 1/70 US डॉलर. सो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. कॉपी करिए जल्दी से इसको.